आज की में हम को करना सीखेंगे। मुराद है कि हमारे पास फंक्शनल एक्सप्रेशन होंगे जिनको देख के हम सर्किट्स ड्रा कर सकते हैं तो उन फ़ंक्शंस को हम जितना सिम्पलीफाई करेंगे उनमें से जितने नंबर ऑफ इनपुट्स और गेट्स कम कर सकेंगे उतना ही हमारा सर्किट ऑप्टमाइजेशन की तरफ जाएगा हमारा गोल ये है कि हमने फंक्शन को जितना सिंपल बना सकते हैं उतना बनाना है और यही सिम्पलीफिकेशन जो है वो ऑप्टिमाइजेशन का दूसरा नाम है ऑप्टिमाइजेशन इज अ मोर फॉर्मल अप्रोच टू सिंप्लीफिकेशन दैट इज यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोसीजर और एल्गोरिथम तो बेसिकली अभी तक जो तो हम सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स uh, के थ्रू कर रहे थे अब एक प्रॉपर मेथड भी है जो कार्डनाम मैप्स का है जो हम आगे पढ़ेंगे तो जिसके थ्रू जो एक एल्गोरिथम है है स्टेप्स ऐसे प्रॉपर स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि इवेंचुअली हमारा जो फंक्शन है वो अपनी सिंपल शक्ल इख्तियार जाएगा तो ऑप्टिमाइजेशंस जो है ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं यानी हम अगर अपने गिवन फंक्शन एफ वन जो हमारे पास इनपुट में आती है हमें पता चल जाए कि इसकी कॉस्ट क्या है और ऑप्टिमाइजेशन के बाद इसकी कॉस्ट क्या है तो हमारे पास कोई मैयर होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर हम ये फैसला कर सके कि कौन सा फंक्शन बेहतर है एफ वन बेहतर है तो हमारे पास जो है ना कॉस्ट के क्राइटेरिया है उसमें एक तो लिटरल कॉस्ट आती है और एक गेट इनपुट कॉस्ट आती है और तीसरी चीज है गेट इनपुट कॉस्ट विद नॉट गेट तो ये एक ही बात है सेकंड और थर्ड तकरीबन एक बात है लेकिन थर्ड में हमारे पास नॉट गेट्स को भी हम कॉस्ट में ऐड करते हैं सेकंड में हम सिंपल उसको गेट्स की इनपुट कॉस्ट को मैं ये करते हैं अब अगली स्लाइड्स में देखते हैं ये कैसे होता है सो लिटरल हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं कि सिंपल एक वेरिएबल होता है इसका कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे बी एक लिटरल है ए बार एक लिटरल है ठीक है तो लिटरल कॉस्ट से हमारी बुनियाद ये आपका जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर कितने literals आ रहे हैं तो अगर मैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल को देखू तो इसके अंदर मेरे पास थ्री लिटरल ये हैं थ्री लिटरल ये हैं और दो ये हैं तो टोटल जो मेरी लिटरल कॉस्ट है वो एल इक्वल टू एट है ठीक है इसी तरह से फंक्शन टू में अगर हम लिटरल कॉस्ट काउंट करें तो एट प्लस थ्री इलेवन हमारे पास इसकी लिटरल कॉस्ट आ जाती है क्योंकि ये तीन एक्स्ट्रा हैं ऊपर वाला और बाकी सब सेम है सिमिलरली थर्ड फंक्शन में जो कि मैक्स टर्म्स की शक्ल में लिखा हुआ है इसकी लिटरल कॉस्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसकी लिटरल कॉस्ट टेन है तो अब क्वेश्चन ये है, कि अगर की बेस पे करना है तो फिर फंक्शन है वो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, 8 है कि जिसमें कम से कम लगे में अगर लेट्स सपोज ये तीनों फंक्शन जो है वो आपको एक ही तरह की आउटपुट दे रहे हों तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से बेहतर कौन सा होगा तो फिर आप उसके लिए एलिकुअल टू एट का इंतखाब करेंगे अगर आप लिटरल कॉस्ट की मैय की तरफ जाते हैं तो दूसरी और तीसरी मैया की डिस्कशन यहाँ पे हम कर रहे हैं तो दूसरी मैया का नाम है गेट इनपुट कॉस्ट अब गेट इनपुट एक्चुअली में क्या है इट इज द नंबर ऑफ इनपुट टू द गेट्स यानी कि हम ये काउंट करते हैं कि जो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है उसके नंबर ऑफ गेट्स की कॉस्ट मतलब इनपुट कितनी जा रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एन गेट है तो इसकी जो इनपुट है वो दो है ठीक है तो ये एक्चुअली में क्या है गेट इनपुट कॉस्ट हो गई exactly equation तो है तो अगर मैं इन्वर्टर गेट्स काउंट नहीं करती जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एंड गेट के अंदर एज इनपुट ए बार जा रहा होता और बी जा रहा होता तो अगर इस तरह से हो तो एक्चुअली में होता तो ये है कि इस एंड गेट की जो इनपुट जिसमें नॉट जा रहा है उसके पीछे एक नॉट का गेट लगता है और फिर उसमें ए पास होता है और दूसरी उसमें बी इनपुट होती है वो एक्चुअली में ये रहा होता है लेकिन अगर तो हम ट को अब इसको मैं काउंट करूं तो असल में इनपुट्स बनते हैं एक ये 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 एक ये, एक ये, एक नॉट गेट में इनपुट जा रही है और फिर नॉट गेट से इनपुट एंड गेट में जा रही है तो लेकिन अगर मैं सिंपल जी की कॉस्ट मैर की बात करूं तो उसमें फिर हम क्या करेंगे हम नॉट गेट को काउंट नहीं करेंगे और इस केस में हम उसको दो कहेंगे लेकिन अगर हमें नॉट गेट को काउंट करती हूँ तो फिर वो तीन बन जाते हैं तीन इनपुट्स बन जाते हैं तो अब इसको हमने सॉल्व uh, कैसे करना है सॉल्व अब नीचे एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है लेकिन उससे पहले हम एक तरीका ये देख लेते हैं कि एसओपी और पीओ एस जो हमारे पास होती हैं, है।, है, है तो फिर हम क्या करेंगे हम सबसे पहले उसके कि हैं ठीक है उसके बाद फिर हम ये गिनेंगे कि उसके अंदर टर्म्स कितने हैं और दोनों को ऐड कर देंगे जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट uh, है वो जी बनेगी और उस अगर तो हम उसके बाद, उसके बाद उसमें डिस्टिंक्ट जो है वो नॉट गेट्स भी ऐड करेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट को हम जी एन बोलेंगे तो अब पहले फंक्शन को अगर हम देखें तो पहले फंक्शन के अंदर हमारे पास टोटल कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह लिटरल्स हैं तो एक्चुअली में क्या होगा इलेवन प्लस और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एक दो तीन चार, चार टर्म्स हैं, तो इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन इसकी GIC जी आई सी कॉस्ट है यानी जी कॉस्ट है पंद्रह इसके जो है ना वो गेट इनपुट कॉस्ट होगी लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि जी एन मैद करें यानी कि आप नॉट गेट्स भी काउंट करने हैं क्योंकि यहाँ पे हम नॉट गेट्स तो नहीं काउंट कर रहे तो आपने ये देखना है कि आपके फंक्शन में डिस्टिंक्ट नॉट गेट्स कौन से हैं डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि अगर बी बार बी बार दो दफा आ रहा है तो आप उसको एक दफा ही काउंट करेंगे तो हमारे पास इस टाइम पे एक ये काउंट हो गया इस बी बार को मैं दोबारा काउंट नहीं करूंगी एक डी बार हो गया और एक सी बार हो गया तो मेरे पास जो डिस्टिंक्ट है वो तीन है तो फिफ्टीन प्लस थ्री यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगी वो एटीन आ जाएगी ठीक है इसी तरह से जो हमारे पास फंक्शन टू है अगर उसके लिए देखें जो मैक्स टर्म्स की शक्ल में थोड़ा सा लिखा हुआ है तो अब उसमें हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन लेटर्स बनते हैं और फिर टेन लेटर्स के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास बन रहे हैं वो हमारे पास एक दो तीन चार चार टर्म्स बनने हैं तो टेन प्लस फोर फोर्टीन जो है वो हमारे पास गेट इनपुट कॉस्ट होगी तो और जो हमारा जीएन है उसमें हमने डिस्टिंक्ट गेट्स पे काउंट करने हैं तो डिस्टिंक गेट्स हमारे पास इस टाइम पे एक बी बार हो गया यहाँ पे और फिर हमारे पास डी बार हो गया टू अब तीसरी बार बी बार को मैं काउंट नहीं करूंगी और ये सी बार हो गया ये तीन तो तीन हो गए तो फोर्टीन प्लस थ्री इज सेवन तो हमारी जी एन कॉस्ट है कि इनवर्टर को काउंट करके वो सेवनटीन बनती है डायग्राम से अब हम क्लियर विजिबिलिटी ले लेते हैं ये हमारे पास फंक्शन है ए प्लस बी सी प्लस बी बार सी ठीक है इसको ड्रॉ भी किया हुआ यहाँ पे असल में हो ये रहा है कि हमारे पास एक थ्री इनपुट और गेट है यहाँ पे थ्री इनपुट और गेट क्यों हुआ है क्योंकि हमारे पास तीन टर्म्स हैं एक दो तीन और जो तीनों टर्म्स हैं वो क्या हो रहे हैं आपस में और हो रहे हैं तो इसलिए हमने फंक्शन की आउटपुट इस और तीनों के और से मिल रही है तो वो ये है अब इन तीन टर्म ये जो तीनों टर्म्स हैं एक तो सिंपली डायरेक्टली ए है ठीक है ये ए है जो कि डायरेक्ट सीधा और के अंदर इसकी इनपुट जा रही है और दो जो है वो एंड टर्म्स है जो के दो टर्म्स के फर्दर एंड से बने हुए हैं तो यहाँ पे ये वाला जो एंड गेट है ये बी और सी का एंड कर रहा है यानी इसका और फिर उसके बाद हमारे पास जो ये नीचे वाला एंड गेट है ये बी बार और सी बार के नॉट का एंड है तो यहाँ से जो बी की इनपुट जा रही है वो नॉट गेट में जा रही है सी की इनपुट नॉट गेट में जा रही है और दोनों ये एंड हो रहे हैं और इवेंटुअली ये फंक्शन के अंदर आउटपुट चली जाती है ठीक है तो अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है तो अब अगर हम कॉस्ट को देखें तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने लिटरल काउंट करना है तो यहाँ पे अगर हम लिटरल देखें तो कितने बन रहे हैं एक्चुअली में एक दो तीन चार पांच तो लिटरल हमारे पास पांच बन रहे हैं तो लिटरल एक्चुअली में काउंट हमारे पास बता के रहा है इट इज काउंटिंग द एंड इनपुट एंड दिंगल लिटरल और इनपुट के एंड में कितनी इनपुट्स आ रही है ठीक है और और के अंदर कितनी इनपुट जा रही है तो एक्चुअली में ये दो और दो एंड की इनपुट चार हो गई और एक जो और के अंदर इनपुट जा रही है वो हो गई अगला काम हमारे पास क्या है अगला काम हमारे पास यह है कि हमने उसमें एड करनी है वैल्यूज वो कौन सी वाली कि उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमने काउंट करने होते हैं लेकिन उसमें हमने जो सिंगल अगर कोई वैल्यू है सिंगल लिटरल है जो किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा तो उसको हम काउंट नहीं करते तब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये टर्म असल में कितने बन रहे हैं एक दो तीन टर्म्स बन रहे हैं तो इन तीन टर्म्स में से हम ए को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल है तो हम सिर्फ बी और बी सी और बी बार और सी बार को काउंट करेंगे और इसमें टू हो गए एल तो में टू ऐड करेंगे तो जिसका जी है वो सेवन हो जाएगा अब इसी तरह से जब हमने उसको जी एन यानी इनवर्टेड गेट्स को काउंट करना है तो फिर हमें डिस्टिंक्ट इन्वर्टेड गेट्स काउंट करने पड़ेंगे तो दो की अब क्या होगा नॉट गेट्स को काउंट करेगा और नॉट गेट्स हमारे पास दो यूज हुए हैं तो वो दो जी में ऐड हो जाएगा तो टोटल जी एन आपकी नौ हो जाएगी तो एल काउंट्स द एंड इनपुट्स और एंड सिंगल इनपुट जी एट द रिमेनिंग ऑर्गेट्स जी जो है वो ऑर्गेट्स को काउंट कर रहा है यहाँ पे और जो जी एन है वो इन्वर्टर गेट्स को काउंट कर रहा है अब हमारे पास इसी से दो मजीद एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फंक्शन वन जो है ये फर्स्ट वाला है और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है ये नीचे वाला है इनको ड्रॉ भी करके दिखा दिया गया है तो अब इसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है तो फंक्शन वन के अंदर हमारे पास ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी है अब इसकी जो लिटरल कॉस्ट है वो हमारे पास सिक्स है क्योंकि सिक्स लिटरल्स यूज हो रहे हैं और जो हमारे पास इसकी गेट इनपुट कॉस्ट है विदाउट इनवर्टेड गेट्स वो एट है क्यों क्योंकि सिक्स प्लस टू यानी दो टर्म्स जो थे वो मौजूद हैं तो और की दो इनपुट्स हैं और मैं दो टर्म्स आ रहे हैं तो वो टू ऐड हो गया तो वो एट हो गया और जब हमने इनवर्टेड गेट्स काउंट किए तो तीन हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टर गेट्स भी लगे हुए थे तो तीन हमने ऐड किए तो इलेवन हो गया तो ये इसकी कॉस्ट हो गई इसी तरह से जो फंक्शन टू है फंक्शन टू के अंदर जो है वो हमारे पास टोटल लिटरल सिक्स जो g है हमारे पास उसमें टोटल क्योंकि तीन टर्म्स हैं ये मैक्स टर्म्स की शक्ल में लिखा हुआ है तो ये एक ये दो ये तीन टर्म्स हो गए तो तीन ऐड हो जाएगा तो g इक्वल टू नाइन हो जाएगा और जो हमारे पास जी है वो हमने टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर गेट्स इसमें ऐड किए जो इसमें तीन यूज हुए हैं है, तो टोटल बारह हो गए तो अब हमने क्या देखना है कि दोनों की बेशक लिटरल कॉस्ट सेम है लेकिन दोनों की जो मिनिमम जी वैल्यू है जो गेट इनपुट कॉस्ट है वो एक ही आठ है एक ही नौ है तो फिर हम सिलेक्ट किसको करेंगे जिसकी जो गेट इनपुट कॉस्ट जो काउंट है वो कम होगी एक्चुअली में अगर हम गेट इनपुट कॉस्ट या लिटरल कॉस्ट वगैरह को कम करते हैं तो वो सर्किट की कॉस्ट को कम कर देते जैसे डिस्कशन किया है कि अगर आपका सर्किट जो है वो आ, टू थाउजेंड का बनना है तो आपकी गेट्स कम होने से हो सकता है कि वो वन थाउजेंड का बन जाए और इसी तरह से उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी बेहतर हो जाएगी तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वेन डू वी स्टॉप ट्राइंग टू रिड्यूस कॉस्ट यानी कि हमें किस लेवल तक सिम्पलीफिकेशन करनी चाहिए और हमें कैसा पता चलता है कि सर्किट अपने सिंपल लेवल के सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया है? तो अब इसके लिए जो हमने पीछे कहा था कि हम कोई एलगोरिद्मिक मेथड देखेंगे तो वो है कार्नो मैप्स का जो कि हम अब स्टडी करने जा रहे हैं का नाम आपकी डिटेल आगे आएंगी लेकिन एक क्विक व्यू में ये एक इस तरह का मैप होता है जो कि आपने जो ट्रुथ टेबल्स बनाए होते हैं उन ट्रुथ टेबल्स को देख के हम एक एल्गोरिथमिक पैटर्न से वैल्यूज इंसर्ट करते हैं उनके अंदर और इवेंचुअली उन वैल्यूज को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन आता है जो चेंज होकर आता है f1

तो इसी तरह से जो अगर जब हम लार्ज सर्किट बनाते हैं कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं तो वो जो सर्किट्स हैं उनको जो सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं होता तो हम ऑटोमेटेड जो टूल्स है ना वो भी यूज करते हैं जो कंप्यूटर खुद ही कर देता है तो कंप्यूटर के पास जब तक कोई एल्गोरिथमिक वे नहीं होगा वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता वो हमारी तरह तो नहीं ना कर सकता कि हमें ये नहीं अच्छा तो काट के ये कर दिया तो वो तो उस वो एक अलग उसको बता देते हैं वो उसके थ्रू जो है वो चलता रहता है है हिट एंड की भी भी ऑप्शन कंप्यूटर के पास भी होती है, लेकिन में होना बेहतर है तो अब एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास टू वेरिएबल कॉर्नर में आपकी स्लाइड्स के कई पॉइंट्स मैंने पीछे डिस्कस नहीं किए क्योंकि जब तक आप इसको विजुलाइज करके देख नहीं लेते एग्जांपल के थ्रू तो आपको समझ नहीं आएगी तो वंस आपको मैं ये बता देती हूँ इस इसका व्यू ये क्या है तो फिर आप पीछे जाके वो पॉइंट्स जो है वो पढ़ सकते हैं अब टू वेरिएबल कारना मैप से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है उसका ट्रूथ टेबल गिवन है और वो फंक्शन टू वेरिएबल है यानी कि उसके अंदर चार रोज हैं तो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन से इस फंक्शन वन की जो आउटपुट है वो मेरे पास आ रही है वन जीरो वन जीरो एग्जाम्पल है तो अब ये जो ट्रुथ टेबल है हमने इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके लिखना है होगा हमारे पास क्या कि हमारे पास चार खाने इस तरह से हम बना लेंगे और टू वेरिएबल मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल आ रहे हैं उसका कारनाम मैप किस तरह से बनाना है तो उसमें ये है कि इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास जो ये वाली रो होती है इसके अंदर x इक्वल टू जीरो होता है यानी के केस में ये रो x बार की होती है और निचली रो x की होती है, ठीक है और इसके अलावा जो कॉलम है ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है ये y बार का होता है और जो सेकंड कॉलम है ये हमारे पास सिंपल y का होता है ठीक हो गया एक y बार है और एक हमारे पास y है तो अब जो है हमारा जो ये ब्लॉक है जो फर्स्ट ब्लॉक है इस फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल के अंदर हम अपने फंक्शन की जीरो वैल्यू लिखेंगे वन, वन यानी कि इधर आ जाएगा, ठीक है तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू जाती है एक्स बार और वाई बार की आप देख रहे हैं जैसे एक्सेल शीट होती है उसके अंदर जो फर्स्ट सेल में रो किसकी है एक्स बार की और कॉलम किसका है वाई बार का तो जो x बार और y बार यानी कि जब दोनों होते हैं तो x बार का मतलब वन होता है और वाई बार का मतलब भी वन हो जाता है तो अब जो इसकी जीरो जीरो की शक्ल है जब एक्स जीरो वाई जीरो तो हम यहाँ पे अपनी मिनटर्म की वैल्यू इंसर्ट करेंगे और मिनटर्म हमारा कौन सा बनता है एम जीरो एक्स बार वाई बार तो इसी तरह से जब x जीरो हो और y वन हो तो कौन सी वाली जो इंजर्शन होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू वो ये जीरो वाली इंजर्ट होनी चाहिए तो यहाँ पे जीरो आएगा तो इसका मतलब तो ये है कि x जीरो है और y वन है तो y वन कौन y है और x जीरो से मतलब है x बार है तो मिनटम कौन सा है मिनटम वन मिनटम x बार y यहाँ पे प्लेस होगा Similarly for third cell में हमारे पास row जो है वो x की है और column जो है वो y का है तो एक्स वाई इसका मतलब है कि जब x अः सॉरी वाई बार x अगर वन है और वाई जीरो तो मतलब है कि इस वाली हमारे पास रो की बात हो रही तो है तो हम यहाँ पे वन लिखते हैं ठीक है तो यानी यहाँ पे मिनटम कौन सा आ रहा है यहाँ पे मिनटम टू आ रहा है विच इज x y बार x वन है और वाई जीरो और फाइनली जो चौथी रो है उसमें जो है वन और वन तो यहाँ पे एक्स भी वन और वाई भी वन तो फिर इधर हम कौन सी वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे जीरो तो कौन सा यहां पे इंसर्ट होता है इज ठीक है तो आपने प्लेसमेंट देख ली कि अगर आपके पास टू वेरिएबल की कोई ट्रुथ टेबल आता है तो हमने अगर इसका कारना मैप बनाना है तो फिर हम जो है वो इस तरह से चार बॉक्सेस बनाएंगे और जो फंक्शन की जो भी आउटपुट वैल्यूज हैं वो उसके अंदर हम इंसर्ट करते जाएंगे और इन्जर्ट किस तरह से करनी है कि फर्स्ट जो सेल है वो मोमेंटम जीरो का है सेकंड सेल जो है फर्स्ट रो के अंदर वो मोमेंटम वन का है सेकंड रो का फर्स्ट सेल मोमेंटम टू का है और सेकंड रो का सेकंड कॉलम जो है वो मोमेंटम का है वही ही सेम बात जो मैंने पीछे आपको समझाई है कि आपके पास टेबल में चार पॉसिबल चारों पॉसिबिलिटीज हैं आपने क्या करना है उनके मिनटम्स की जगह के ऊपर उनके जो फंक्शन की आउटपुट वैल्यूज हैं ये वाली जो है वो हमने फेल आउट कर देनी है यहाँ पे तो मिनटम वन में ए मिनटम टू में सॉरी मिनटम जीरो में ए मिनटम वन में बी और मिनटम टू में सी और मिनटम थ्री में डी सो so हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे एक टू वेरिएबल फंक्शन किया है फंक्शन जो गिवन है वो ये कहते हैं कि उसमें दो वेरिएबल जाते हैं लेकिन सिंप्लीफाई लेट से होके वो एक्स के बराबर आ रहा है ठीक है तो अगर टू वेरिएबल यहाँ पे मेंशन है तो आपके पास टेबल जो है वो टू वेरिएबल का ही बनेगा आपने ये नहीं करना कि आपने एक वेरिएबल का बना देना तो ये एक्स और वाई है और ये एफ की आउटपुट है तो अब अगर जो है मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ दोबारा से बना लेते हैं इसको तो अब अगर यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज क्या है जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन जीरो और वन वन ये चारों पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं अब जीरो जीरो केस में एक्स की आउटपुट क्या आनी चाहिए फंक्शन के मुताबिक ही आना चाहिए तो इधर जीरो आएगा इधर भी जीरो आएगा यहाँ पे वन आएगा और इधर आएगा ये फंक्शन की आउटपुट है टेबल के बन गया तो अब जब टेबल बन गया तो फिर हमने कार्ना मैप बनाना है तो यहाँ पे हम इसका कार्ना मैप बना रहे हैं अब कार्ना मैप में, कारना में हमने क्या करना है मिनटम जीरो जिसकी जो फंक्शन आउटपुट है वो जीरो है वो हमने यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया मिनटम जीरो के प्लेस कर जो है, जो के साथ अगर देखें तो ये है इसको हमने यहाँ पे जाके प्लेस कर दिया जो मिनटम हमारे पास टू है उसकी वैल्यू वन है तो उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया जो मिनटम हमारे पास फोर है उसकी वैल्यू ये है उसको हमने इधर प्लेस कर दिया ठीक है तो अब अगर मैं इसको स्पेसिफिकली मेंटम्स की शक्ल में लिखूं तो हम क्या करते हैं जब फंक्शन लिखते हैं तो वही ऐड करते हैं जो के जिनके आगे वन होता है तो अगर मैं ये ग्रीन और पर्पल इन दोनों को अगर मैं लिखूं फंक्शन की शक्ल में तो ये क्या लिखेंगे ये जो ग्रीन वाला सेक्शन इस है इसमें एक्स वन है वाई जीरो है तो मिनटम क्या बनेगा एक्स वाई बार ठीक है इसी तरह से जो पर्पल में है पर्पल में एक्स वन है और वाई भी वन है तो ये बन जाएगा प्लस एक्स वाई तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा ठीक है तो ये दो मिनट का सामना है तो अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी करें तो ये क्या बन जाएगा वाई प्लस वाई बार और ये टर्म जो है इट विल इवेल्युएट टू वन ये हमें पता तो दिस एक्सप्रेशन विल बी x ठीक है वही जो गिवन फंक्शन था तो कारना मैप में भी हमने उसी तरह से कर दिया तो अब यहाँ पे दूसरी से अब हम इसमें जी जी एक फंक्शन बना दिया टू वेरिएबल और उसमें एक्स प्लस वाई आ गया तो अब अगर एक्स प्लस वाई आ गया तो अब हम पहले इस पर एक दफा ट्रूथ टेबल बना के देख लेते हैं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है हमारे पास वाई और जी है तो अगर x जीरो जीरो होता है तो जीरो और जीरो g तो की जो आउट जो वैल्यू है वो क्या होगी वो जीरो ही होनी चाहिए अगर जीरो है और है, तो फिर जीरो और क्या होता जीरो वन इसी तरह से अगर वन जीरो है तो हमारे पास और होके क्या हो जाएगा वन और अगर दोनों वन है तो वैसे ही वन होगा तो इसका मतलब है कि हम मिनटम जीरो जो है वो इधर मेंशन करेंगे और फिर हम मिनटम ये वाला वन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फिर हमारे पास जो ये वन है इसको मिनटम टू को इधर लिखेंगे और फाइनली जो हमारे पास लास्ट मिनटम है उसको हम इधर मेंशन कर देंगे ठीक है तो हमने यहाँ पे कार्ना मैप ये हमारे पास हमारा कार्ना मैप है तो इसके अंदर हमने फेलिंग कर दी है अब जब कारना मैप की हमने फिलिंग कर दी है तो फिर अब आगे हमने क्या करना है अभी मैंने आपको इसको सिंप्लीफाई करना नहीं बताया अभी सिंपल हमने कार्नामैप आपकी फिलिंग करना सीखी है अब हम करते क्या है किस तरीके से कार्ना मैप हमें सिंप्लीफाई फंक्शन देता है वो ये है कि अब जो आपने ये देखना है कि पेयर्स कहाँ पे बन रहे हैं पेयर्स बन रहे हैं स्क्वेयर्स बन रहे हैं रेक्टेंगल्स बन रहे हैं किस तरह से बन रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वन है इसका पेयर इस वाले वन का पेयर किसके साथ बन सकता है तो ये इसके साथ इसका पेयर बन सकता है ठीक है इसी तरह से तो ये दो मंज है इनका इस तरह से पेयर बन सकता है ना? असल में ये है कितने ये चार टर्म्स हैं, और अगर इन चारों टर्म्स को हम लिखें, तो वो फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है लेकिन ये कि हमने कारना मैप में फिलिंग के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है फंक्शन उस तारना मैप को देख के लिखना उसको लिखने के लिए हम देखते हैं ढूंढते हैं कि किधर पेयर बन रहे हैं वन वन के फॉर द केस ऑफ तो अब जब मैं इस पहले पेयर की बात करूं, जो ये मैंने ये वाला बनाया वन वन वाला अब इसमें हमने ये देखना है कि कॉलम कौन सा कॉलम है y इक्वल टू वन का ठीक है और x जो है उसकी दोनों रोज में एक में जीरो हो रहा है और एक में x वन हो रहा है

के पे इस टर्म को आप कैसे लिख रहे हैं जी इज इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई ऐसे ही अगर मैं इस पेयर की इस येलो वाले पेयर की लिखूं जहां पे वन है वही मेंशन करूं तो वो ये बनता है और एक्चुअली में इसके उसके एंड पे होगा क्या वाई कॉमन ले लिया और ये क्या हुआ ये वैल्यूट हो, हो गया तो ये वाई रह गया यानी कि इन दोनों इन येलो वाले दोनों वन की जगह पे मैं सिंपल वाई लिख सकती हूँ ठीक है सिमिलरली मैं इस जो दूसरा पेयर हमने बनाया हुआ है ये वाला वन में वन को किया हुआ इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ इसमें मैं ये देख रही हूँ कि जो रो है वो एक सिंपल एक्स की है एक्स इक्वल टू वन की और इन दोनों कॉलम्स में वाई y, जीरो y, y का एक कॉम्प्लीमेंट एक जगह पे आ रहा है एक जगह वाई आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो भी वन हो जाएंगे जैसे ये नीचे हुआ है यानी कि मैं इसको अगर यू लिखू प्लस एक्स वाई बार ये जो मिनटम टू लिखा है मैंने और दूसरा एक्स वाई तो सेम वही बात है कि इसमें जब एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर वाई प्लस वाई बार आ जाएगा और नीचे हमारे पास एक्स सी रह जाएगा तो यहाँ पे मैं सिंपल एक्स लिख दूंगी ठीक है तो अब आपने ऑब्जर्व किया है कि जो फंक्शन के मिनटम्स थे एक्चुअली में वो तीन जगह पे वन हो रहे थे और जब आपने इसको कारना मैप में लिखा कारना मैप में लिखने के बाद आपने पेयर्स बनाए हैं और पेयर्स बनाने के बाद आपने उनको देख के डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं और ये जो नीचे सारी स्टोरी है ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताई है कि जब हम पेयर्स बनाते हैं तो एक्चुअली में वो पेयर्स भी तो जो हम नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन में वो कर रहे हैं तो अगर मैं इसको देख के जेनरिकली जो आप पहले लिखते फंक्शन तो आपका फंक्शन क्या होना था आपने लिखना था कि ये है है एक्स 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 वाई 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 बार बार प्लस प्लस मेरा एक वाई और प्लस जो है वो बार वाई। आपने कहना था मेरे जो जी है ये तीन टर्म्स के और के बराबर है उसके बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं और सिंप्लीफाई करके फिर कोई आंसर निकाल के देते हैं लेकिन यहाँ पे हमने इसको मिन टर्म्स के के तौर पे नहीं लिखा हमने सिंपल क्या किया है ट्रूथ टेबल देखा अपने फंक्शन का उस ट्रूथ टेबल से हमने टर्म्स की वैल्यूज निकाली उन मिन टर्म की वैल्यूज को हमने कार्ना मैप में फिल आउट किया फिर अगले स्टेप पे हमने पेयर्स बनाए और पेयर्स बनाने के बाद हमने उसको उन पेयर्स की हेल्प से डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके फंक्शन लिख दिया ठीक है आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे होपफुली आपको और क्लियर होता जाएगा चले एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास एक फंक्शन है G टू वेरिएबल और इसमें हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि ट्रुथ टेबल ऑफ योर फंक्शन तो पहले आप जो है वो truth table बनाएंगे और उस ट्रूथ टेबल में हमारे पास x y और g एज आउटपुट होगा तो x अगर जीरो जीरो होता है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आएगी एक्स वाई का एंड होगा जीरो हो जाएगा और जीरो और जीरो तो हमारे पास यहाँ पे जीरो ही आएगा ठीक है इसी तरह से अगर एक्स हमारे पास जीरो वन होता है तो फिर जीरो वन का एंड होगा तो हमारे पास जीरो आएगा और प्लस जीरो तो फिर हमारे पास जीरो ही आएगा इसी तरह से हमारे पास वन जीरो है वन जीरो में एक्स वन है तो वन और जीरो का एंड जो है वो जीरो होगा और वन तो जीरो और वन जो है वो वन होगा इसी तरह वन वन के केस में आउटपुट जो है वो वन आएगी तो फ्रॉम द फर्स्ट लुक ये हमें अंदाजा हो रहा है कि जी इज द रेप्लिक तो नजर आ रहा है लेकिन ये चूंकि सिंपल एग्जांपल है इसलिए हमें पता चल रहा है लेकिन जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स होती हैं फिर हम ऑन दी फर्स्ट लुक जो है ये नहीं बता सकते कि फंक्शन का सिंप्लफाइड फॉर्म क्या है तो पहले तो हम वही वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो ये जो मिनटम जीरो है वो इधर आ जाएगा जो हमारे पास मेंटम वन है वो हमारे पास इधर चला जाएगा हमारे पास मेंटम टू है वो हमारे पास इधर आ जाएगा और हमारे पास हमारा फोर है वो इधर आ जाएगा ठीक है अब हमने पेयरिंग ढूंढनी है कि की पेयरिंग किधर मौजूद है तो हमारे पास जो वन पेयर तलाश करना है पेयर टाइप हो गया कॉर्ना मैप फिल्म कॉर्ना मैप अब जब फिल्ल हो जाएगा फिर हमने देखना है पेयर किधर बन रहे हैं पेयर हमारे पास ये बन रहा है ठीक है तो इस पेयर को फिर आप कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे यूर जी एक्स ऑफ वाई इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट एक आपका पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स मान है जहां पे और वाई जीरो है यानी कि थोड़ा सा कलरिंग स्कीम से देख लेती हूँ मैं इस मान को लिखने जा रही हूँ ब्लू वाले वन को तो ये टर्म बनेगी एक्स वाई बार ऐसी है और जो दूसरी टर्म मेरे पास बन रही है जो पर्पल है वो मेरे पास बन रही है एक्स वन वाई वन तो वो बन जाएगी एक्स वाई ठीक है और ये दोनों मेरे पास क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं तो अब वैसे देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा ये सिंपल बन जाएगा एक्स बाय बार प्लस वाई और ये जो टर्म है ये वन को इवैल्यूएट होती है तो हमारे पास सिंपली रह जाएगा एक्स ठीक है एक तरीका तो ये है कि हमने उसको देख के उसके जो वन की पेयरिंग बनाई है और फिर वो पेयर हमने इधर मेंशन कर दिया अगर कोई और भी पेयर होता तो हम इसके आगे प्लस लगा के तो वो पेयर भी हम मेंशन कर देते तो और फिर पे वो सिम्पलीफाई हो जाता ये तो मैंने आपको विजिबली बताया कि इस पेयरिंग से इस तरह से चीजें सिम्पलीफाई होती हैं लेकिन अगर मैं डायरेक्टली भी देख के आपको बताऊँ तो ये जो x इक्वल टू वन की रो है और इस रो के अंदर y जीरो और y वन के दोनों चेंज हो रहे हैं तो y कॉम्प्लीमेंट और y आ रहा आर और x उसमें एक ही है दोनों में x इक्वल टू वन यानी x आ रहा है तो फिर ये डायरेक्टली भी यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये पूरी जो रो है इट विल वैल्यूएट टू x ओनली तो ये जो सॉल्व यहाँ से यहाँ तक सॉल्व के इसकी भी जरूरत नहीं है मैं इस पेयर को डायरेक्टली देख के भी यहाँ पे एक्समेंशन कर सकती थी इसी तरह से टू वेरिएबल का आपने देख लिया हमारे पास थ्री वेरिएबल कार्नो मैप्स भी जो है वो मौजूद है अब वहां पे फर्क क्या है थोड़ा सा नंबरिंग का फर्क है जो आपने याद रखनी है टू वेरिएबल में तो सिंपल था 0 1 2 3 थ्री, थ्री वेरिएबल्स तो अगर आपके पास आ जाते हैं एक्स वाई और जेड ट्रुथ तो टेबल यानी कि आपके पास एक्स भी है वाई भी है जेड भी है और आपके पास फंक्शन की आउटपुट है तो उस केस में जो मिंटम है

मिनटम सिक्स नहीं है मिनटम सेवन है और यहाँ पे मिनटम सिक्स आएगा तो थ्री और सेवन जो है वो टू और सिक्स से पहले प्लेस करने हैं आपने उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि आप लोकेशन देख लें कि आपकी इस साइड के ऊपर x जीरो है और एक रो में x वन है और ऊपर आपने किस तरह से पेयरिंग बनाई हुई है जो अगले वाई जी की बचती है वो है जीरो 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 वन 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 और 1, तो अगर मैं कंबाइन करूं पहला सेल किसका बनता है जीरो और जीरो जीरो यानी मिनटम जीरो दूसरा सेल बनता है जीरो और जीरो वन जीरो जीरो वन तो वो मिनटम वन बनता है तीसरा सेल बनता है जीरो वन वन तो ये मिनटम थ्री बनता है चौथा सेल है जीरो वन जीरो तो ये मिनटम टू बनता है जो हमारे पास पांचवा सेल है वो है वन जीरो जीरो वो मिनटम फोर है छठा सेल हमारे पास वन जीरो वन है तो वो फाइव है और जो है सातवां सेल है वो वन 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 है वो मिनटम सेवन है और जो आठवां सेल है वो है वन वन जीरो जो मिनटम सिक्स है ठीक है बात समझ आ गई आपकी तो इन जो हमारी नंबरिंग को देखते हुए हमने फिलिंग किया है तो नीचे उन्हीं जो मिनटम्स है गेंस्ट उनके मिनटम्स मैं जीरो 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 के गेस्ट एक्स बार वाई बार जी बार है और जो है उसके अगेंस्ट जीरो जीरो बार बार जी जी, जी so तो तो कर लेंटम्स की लोकेशंस क्या होनी चाहिए लेकिन अगर याद नहीं रहती तो आप ये ऊपर वाले चार याद रख कि पहले जीरो जीरो लिखना है फिर जीरो, फिर, वान वान जीरो। फिर इनको एक्स के साथ ज्वाइन करके आप जो बाइंड्री बनेगी वो मिनटम नंबर होगा ठीक है होपफफली बात आपको जो है वो समझ आ गई होगी अगर अब वैसे ही डायरेक्टली हम बाइनरी की गिनती को ऐसे ही प्लेस कर लें तो वो हमारे पास बनेगा वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स ठीक है ये लेबलिंग है ये आसान है और आपको हेल्प भी हो जाएगी जल्दी इसको देख के आप लिख सकेंगे लेकिन अगर वैसे वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना हो तो वही बात है कि ऊपर वाली एक्स बार की रो है ये एक्स की रो है ये जो दो कॉलम्स हैं ये वाई बार के कॉलम्स होते हैं क्योंकि वाई इसमें जीरो होता है और ये वाले जो दो कॉलम्स हैं ये सिंपल वाई के इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे वाई वन होता है इन दो कॉलम्स में जी जो है वो वन होता है और इस कॉलम में और इस कॉलम में जी की वैल्यू जो है वो जीरो होती है वो आप इन नंबरिंग से भी देख सकते हैं कि ये देखें ये जी जीरो का कॉलम है और यहाँ भी जी जीरो का कॉलम है ये वाला और यहाँ पे इस केस में दोनों जी वन के कॉलम है और स्मिल अली वाई और एक्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस शक्ल को अपने जहन में जो है वो फिक्स कर लें और जब भी आपको कोई फंक्शन थ्री इनपुट आएगा आपने यही शक्ल ड्रॉ करनी है और इसके अंदर फिलिंग करनी है और फिर फिलिंग करके हम पेयर्स बनाएंगे और पेयर्स बना के हम सिम्प्लीफाइड फंक्शन लिखेंगे अब ये थ्री वेरिएबल कारना में आपके हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि लेट्स से हमारे पास फंक्शन जो है वो था टू थ्री फोर फाइव सम ऑफ मिनटम्स है इसके फंक्शन के अंदर चार मिनटम्स आते हैं तो अब हम क्या करेंगे मिनटम टू कहाँ पे लिख सकते हैं हाँ मिनटम टू जो है वो यहाँ पे वन होगा ऐसे ही है ना जब फंक्शन में हम कहते हैं सम ऑफ मिनटम्स है तो इसका मतलब है जहां वन होता है वहीं पे फंक्शन का सम हमने वो मिनटम्स की शक्ल में लिखा होता है तो टू थ्री फोर फाइव की जगह पे वन होगा और बाकी सारे जीरो होंगे तो टू की जगह पे हमने वन डाल दिया थ्री की जगह पे हमने इधर वन डाल दिया और फोर और फाइव की जगह पे इसी तरह से हमने फिलिंग कर दिया कि फोर वन था तो ये फोर इधर वन चला गया और फाइव वन था तो फाइव इधर वन चला गया अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई किस तरह से करना है वही बात है कि हमने पेयरिंग बनानी है तो पहले मैं आपके लिए बाकी जगह पे भी फिल कर दू पे हर जगह पे जीरो है क्योंकि बाकी जो नहीं होते उनकी जगह पे जीरो होता है तो हम पेयर्स बनाने लगे हैं पेयर्स बनाने के लिए हमने क्या किया है हमने ये देखें ये पेयर एक बन रहा है ठीक है और ये एक पेयर बन रहा है

लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा is equal to, जो पहला है है वो कह रहा कि बनता है ठीक है तो इसी तरह से जो दूसरा पेयर है अगर आप दूसरे पेयर को देखें तो दूसरे पेयर ये जो है वो रो एक्स की है और वाई जो है ये वाई बार के दो कॉलम्स है और जी फिर यहाँ पे और यहाँ पे चेंज हो रहा है दोनों कॉलम है तो जी कॉमन निकल आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा जाएगा इधर हमारे पास आ जाएगा ठीक है तो ये आपकी क्या होगी फंक्शन की आउटपुट आ जाएगी इसी तरह से अगर आप जी को देखें तो जी हमारे पास है थ्री फोर सिक्स सेवन तो थ्री फोर सिक्स सेवन की जगह पे हमने वन 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 प्लेस कर दिया अब इनके प्लेस करने के बाद अब पेयरिंग बनानी है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए वो ये कि एक पेयर तो हमारे पास ये बन जाएगा अब ये दोनों वाले कोनों का बांध का क्या करें तो मजे की बात ये है कि हम यहां से एक और इधर से ये इस तरह से भी जो कोने पे होते हैं उनको भी आपस में अप कर सकते हैं तो अब अगर मैं इस, इस वाले कॉलम का पहले लिख दूं तो फिर अगले कॉलम को देखते हैं तो जी ए बी सी फंक्शन है तो ये जो ऊपर वाला थ्री सेवन का पेयर है इसके लिए क्या लिखा जाएगा वाई सेम है एक्स दो रोज में चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्स कॉलम में खत्म हो जाएगा और जी जो है वो पूरे कॉलम में सेम ही रह रहा है तो ये लिखा जाएगा वाई जी और प्लस दूसरे टर्म में अगर हम देखें तो दूसरे टर्म के जो दोनों कॉलम्स हैं वो जी बार के और जो रो है वो भी सेम रह रही है लेकिन वाई के कॉलम चेंज हो रहे हैं तो y एक इसमें y है और इस कॉलम में y बार है तो अब जो क्या हो जाएगा ये फंक्शन बन जाएगा एक्स जी बार ये जो टर्म है ये एक्स जी बार का बन जाएगा ठीक है और बस सारे वंस पूरे हो गए तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड जी आ जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास दो और एग्जांपल्स हैं मैं एग्जांपल्स इसलिए ज्यादा करवा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए अब ले हमारे पास वन थ्री फाइव सेवन ये सम ऑफ मेंटम्स है वो इन चार का है तो इधर वन आ जाएगा इधर वन आएगा इधर इधर वन आ जाएगा ठीक है वन थ्री फाइव सेवन की जगह पे वन आ जाएगा अब यहाँ पे हम पेयरिंग कैसे बनाएं जब चार इकट्ठे हों बाकी जगह पे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा ठीक है ये वन है और इधर जीरो है इधर जीरो है इधर जीरो, जीरो है अब इंटरेस्टिंगली अगर तो अभी दो दो की पेयरिंग है अगर चार इकट्ठे भी बन रहे हों तो हम चार के इकट्ठे पेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है तो ये चार का पेयर बन गया यानी स्क्वायर बन गया तब तो अगर स्क्वायर बन गया तो इसमें आप देखें तो इसमें क्या चीज है वो चेंज हो रही है एक्स जो है वो एक जगह पे एक्स बार है और एक जगह पे एक रो में एक्स है तो उसका मतलब है ये भी कॉमन निकल आएगा तो कैंसिल हो जाएगा एक कॉलम में वाई जो है वो सिंपल वाई है और एक कॉलम में वाई बार है तो इसका मतलब है कि वाई भी चेंज हो रहा है वो भी कैंसिल हो गया अब ये जो पूरा कॉलम है इसमें जी जो है वो कंसिस्टेंट है यानी जी दोनों कॉलम में सेम जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि इस फंक्शन की सिंपल आउटपुट क्या है जी है ठीक है है ना मजे की बात कि आपने डायरेक्टली सिर्फ उसको कारना मैं आपको देखते ही लिख दिया कि ये जो फंक्शन की सिंप्लीफाइड आउटपुट दी है अब इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखें तो दूसरी एग्जांपल में हमारे पास इधर वन है टू में वन है फोर में वन है और सिक्स में वन है तब यहाँ पे हम पेयरिंग फिर वही बात के हम अपनी हदों से आगे निकल के भी पेयरिंग कर सकते हैं तो दो तो ये पेयर हो गए और ये ये स्क्वायर एक बन गया ठीक है तो अब यहाँ पे अगर आप बताएं कि क्या बन सकता है तो इसमें हमारे पास x जो है वो चेंज हो रहा है एक जगह पे x रो में x है और एक जगह पे x बार है तो वो कैंसल हो गया तो x नहीं लिखा जाएगा जो y है वो भी चेंज हो रहा है इस कॉलम में y है इस कॉलम में y बार है तो y भी कैंसल हो गया और लेकिन इस कॉलम में z जो है वो z बार है और इस कॉलम में भी z बार है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो जी बार हो ठीक है एक और एग्जांपल देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ़ ऑल टर्म्स इसका मतलब जीरो तो अच्छा अब क्या होगा अब तो स्क्वायर भी बन सकते हैं और हमारा पूरा रेक्टेंगल भी हो सकता है तो ये पूरा हो जाएगा अब इस पूरी पेयरिंग में आप देखें तो x की x भी चेंज हो रहा है में एक में x x एक में बार है, y भी दोनों दो कॉलम्स में y और दो कॉलम्स में y बार है z भी जो है वो दो कॉलम्स में z और दो कॉलम्स में z बार है तो इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन विल बी सिंपली इक्वल टू वन फंक्शन को देखते ही पता चल गया कि जो मर्जी इनपुट दे दें दे आप इस फंक्शन की आउटपुट हमेशा वन ही होगी इट इज ऑलवेज ऑन लाइट इज ऑलवेज ऑन वट एवर इनपुट यू गेवे तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि तीन वेरिएबल कार्ना मैप में एक स्क्वायर जो है वो क्या करता है एक छोटा स्क्वायर जो होता है जो एक सिंगल टर्म के लिए होता है वो क्या होता है उस, उसको जब आप टाइप करते हैं तो थ्री वेरिएबल्स लिखे जाते हैं उसके साथ उस टर्म के अगेंस्ट अगर आप दो वंस को इकट्ठे पेयर कर रहे हैं दो छोटे स्क्वायर्स को कर रहे हैं तो उस दो छोटे स्क्वायर के पेयर के अगेंस्ट टू वेरिएबल टर्म लिखा जाता है यानी मे बी एक्स वाई मे बी एक्स बार जी इस तरह से और अगर आप फोर की पेयरिंग कर रहे हैं फोर वंस की पेयरिंग कर रहे हैं तो उसकी जगह पे एक वेरिएबल लिखा जाएगा जैसे हमने पीछे जी लिखा था और जी वार लिखा था अगर आप एट वंस की एडजस्टम पेयरिंग कर रहे हैं तो उस एट टर्म्स के उस एट सेल्स के अगेंस्ट हमारे पास वन लिखा जाएगा सिमिलरली यहाँ पे भी क्विकली अगर देख लें टू थ्री सिक्स सेवन इसकी पेयरिंग पूरी हो जाएगी और इसके अंदर जो है वो z भी चेंज हो रहा है और x भी चेंज हो रहा है तो इस फंक्शन की सिंपल आउटपुट हमारे पास डायरेक्टली y आ जाएगी और अगर आप इसको खोल के अगर आपको कहा जाता है कि एक्सपैंड करके लिखें तो आपने क्या करना है होगा कि जो उसका प्रूफ अगर आपको कोई कहता है कि दें तो एक तो आपने डायरेक्टली लिख लिया तो आप क्या करेंगे चारों मिनट के सम चारों मिनटम देख देंगे तो एक मिनटम थ्री है ये है जीरो वन वन वाला मिनटम है ये हमारे पास वन 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 मिनटम सेवन है और ये हमारे पास मिनटम टू है और ये हमारे पास मिनटम सिक्स है तो मिनटम थ्री सेवन और टू और सिक्स के को इकट्ठे ऐसे लिख दें और फिर आप देखें कि ये किस तरह से खत्म होता है तो आपने जो है वो इन दो के अंदर कॉमन क्या लिया है? आपने इन दो में वाई जी कॉमन लिया है तो जो एक्स और एक्स बार अंदर थे वो सम इक्वल टू वो वन कोई वैल्यूट हो गए तो वाई जी बच गया इसी तरह से इन दोनों में आपने कॉमन ले लिया वाई जी बार तो अंदर एक्स x x गया, तो गया इन दोनों में से आपने फिर बाद में y को कॉमन लिया और अंदर z प्लस जी बार बच गया तो वैल्यू टू वन हो गया यानी फंक्शन की आउटपुट जब वन आ गई यानी कि अगर आप मिन टर्म्स को सम करके भी लिखे तो इवेंचुअली आपको एक तो इस तरीके से हम पीछे करते आए अब हमने यहाँ पे जो है वो कारना आपसे डायरेक्टली भी फंक्शन की आउटपुट लिख दिया लेकिन जब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको टीचर को शो करना होता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है तो एज प्रूफ आप नीचे ये लिख भी सकते हैं अगर आपसे पूछा गया है तो सो so आपके पास पेयरिंग की मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं आपने बस ये देखना है कि वन किधर है तो ये भी पॉसिबल है कि एक फंक्शन के दो तरह के सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस भी निकल रहे हो जैसे मे बी जीरो वन को आप पेयर कर सकते हैं थ्री सेवन को अगर ये यहाँ पे वन लिखा हुआ है इधर आप पेयर कर सकते हैं आप इस तरह से कॉर्नर्स को अप कर सकते हैं तो इनको आप जो है वो रीड भी कर सकते हैं जैसे हमने पीछे किया रीड से मतलब यह है जो ब्लू के अंदर है ब्लू वाला जो टर्म है इट इज एक्चुअली जी बार के कॉलम दोनों में फिक्स्ड हैं और एक्स बार और वाई चेंज हो रहा है तो ये X बार Z बार बनता है एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास अब मैंने कोई मेंशन नहीं किया कि जीरो की तरह वन की तरह तो हमें लेकिन वैसे पता तो है कि ये जो है वो वन की लोकेशन ये है और थ्री की ये है टू की ये है और फाइव की ये और सेवन की ये है तो हमने यहाँ वन लिख दिया अभी तक पॉसिबल पेरिंग हमारे पास चार वन इकट्ठे भी बन रहे हैं और इसके अलावा जो एक अकेला वन बेचारा बन गया उसकी भी पेयरिंग हमें करनी पड़ेगी तो उसके साथ वाले के साथ वो पेयर हो सकती है तो जो चार वालों को जब हमने इकट्ठे पेयर किया था तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो जिया ठीक है और वो जो एक वन था उसकी साथ वाले के साथ पेयरिंग बेशक ओवरलैप हो रही हो पॉसिबिलिटी है कि ओवरलैप भी हो सकता है तो यहाँ पे जो है वो क्या बनता है ये एक्स बार की रो होती है ठीक है और कॉलम बाय का है और जी जो है वो दोनों कॉलम्स में चेंज हो रहा है पेयर्स में तो ये जो है वो एक्स बार बाय बार का बन जाता है तो इस फंक्शन को हमने देखते ही देखें मतलब कितनी आसानी है आपको कि इतने सारे मिन टर्म्स का सम है वो सिंपली आपने कॉर्ना मैप में फिल किया और डायरेक्टली आपने बता दिया कि ये सिंप्लीफाइड आउटपुट है वरना तो आप क्या करते हैं कि आपने जो पांचों मिन टर्म्स को अलहदा अलहदा लिखना था फिर उनको सम करना था फिर सिंप्लीफाई करना था ठीक है तो अब ये इस तरह से अगर आपको कहा जाए कि कारना में आपसे सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसे कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे भी अब हम फिलआउ कर लेते हैं एग्जाम्पल चेंज हो गई है हमारे पास ये है जीरो में वन है इधर वन है ये फोर है और ये सिक्स है तो अब यहाँ पे आपके पास बच्चे मल्टीपल ऑप्शन एग्जिस्ट करती हैं तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ एक तो ये देखें ये हमारा पेयर बन गया एक हमारा ये वाला पेयर बन गया अब बाजार बच्चे ये भी करते हैं कि अब इसका भी अप बना दे और इन वन का भी बना दिया और फिर उस जो है वो इस वाले वन का उसको साथ भी बना दिया तो अब ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है ये एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा से मतलब ये है कि आप ये डालेंगे तो वो आपके ऊपर बिला फंक्शन पे लोड पड़ जाएगा क्योंकि आप इन दोनों वंस को पहले कवर कर चुके हैं तो अगर आप एक्स्ट्रा पेयर डालते हैं तो एक्स्ट्रा टर्म का इजाफा होगा जिससे फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ आपकी लिटरल कॉस्ट में जो है ना वो इजाफा हो जाएगा तो आपने इस तरह से रिडंड चीजें नहीं ऐड करनी तो इसकी जो सिंपल फंक्शन की जो आउटपुट है वो पहले केस के अंदर पहले पेयर के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स बार और वाई बार और दूसरे केस के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाएगा X Z बार ठीक है हमारे पास फुल फ्लैश एग्जाम्पल आ गए सॉल्व करने के लिए अब ना कोई हमारे पास डब्बा है ना ही कुछ तो पहला स्टेप क्या है कि बिल्ड यूर कार नो मैप टेबल क्योंकि मिंटम आपके पास इस टाइम पे हैं तो ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मिनटम जीरो में हमारे पास वन है एज पर दिस जीरो और मिनटम वन में हमारे पास इधर वन है मिनटम टू में हमारे पास यहाँ पे वन आएगा और मिनटम फोर हमारा किधर है सो इट्स टू सो इट्स बेटर कि आप जो है ना वो लेबल कर ले मैं इसलिए लेबल नहीं कर रही क्योंकि जो है वो थोड़ी सी लिखने में मुश्किल होगी तो so फिर भी कर देते हैं टू फोर फाइव सेवन और सिक्स हो गया तो अब जो मिनटम सिक्स हमारे पास है वो कहाँ पे जाएगा मिनटम सिक्स हमारा sorry, 4 पहले इधर गया और मिनटम सेवन जो हमारे पास है वो हमारा इधर चला गया तो अब अगर इसको हम देखें तो हम कैसे पेयर कर सकते हैं तो अभी हमें ये नजर आ रहा है कि एक हमारे पास फुल फ्लैश फोर का जो है वो बन रहा है रेक्टेंगल क्योंकि जीरो फोर और सिक्स और टू वो सारे वन है तो हम जो है वो करते हैं इनको किस कलर से करते हैं चलो इससे कर लेते हैं तो एक तो ये और एक ये ये चार वन तो कवर हो गए अब दो वन रह गए उनको भी हमने पेयर के साथ देखना है तो मैं साथ साथ पहले लिखती जाती हूँ फिर पेयर ऐड करते जाते हैं तो फंक्शन एक्स वाई जी इज सिंपली इक्वल टू ये किसके हो जाएगा ये जी बार के इक्वल हो जाएगा और फिर हमने इसकी पेयरिंग बनानी है तो इस पेयर के अगेंस्ट जो वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारे पास होगी x बार y बार और प्लस ये वाला पेयर आ जाएगा तो इसके अगेंस्ट हमारे पास लिखा जाएगा ये x है और y है ठीक हो गया तो अब ये मैंने जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं हम आपको थ्री कार्ना मैप की दी हैं इसी तरह से टू कार्ना मैप की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपके पास चूंकि चार खाने होते हैं तो चारों भी आप पेयरअप कर सकते हैं तो आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो अपने चैप्टर के एंड से देखें तो और ट्राई करें घर में तो अगर कोई मसला होगा तो फिर हम इंशाल्लाह क्यूए सेशन में डिस्कस कर लेंगे